22 सितंबर 1839 कैप्टन ब्राइटन अपने कुछ क्रू के साथ चिली के केप हॉर्न नाम के एक समुद्री इलाके में फिशिंग के लिए गए हुए थे। उस समय रात के 9 बज रहे थे और तभी अचानक से हवा की रफ्तार एकदम से बढ़ जाती है। समुद्र की लहरें उफान मारने लगती है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और वहीं पे उस पूरे क्रू को अचानक से उन्हीं लहरों के बीच एक अननोन शिप दिखाई देती है। उस शिप के मेन डेक पे 7 आदमी एक लाइन से खड़े थे और वो लगातार बस उन्हें ही देखे जा रहे थे और अचानक से वो शिप उनके पास आकर रुक जाती है। वहां पे काफी ज्यादा अंधेरा था और वो शिप उनके शिप से काफी ज्यादा बड़ी थी। कैप्टन ब्राइटन नीचे से आवाज लगाते हैं लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आता और जब कैप्टन और उनका क्रू उस शिप के ऊपर जाता है तब उन्हें पता चलता है कि वो 7 लोग उनका जवाब इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि दे आर डेड पीपल, जिनकी बॉडी पूरी तरीके से बर्फ में जमी हुई थी और उनको मरे हुए 18 साल से भी ज्यादा हो गए थे। तो आखिर कौन थे वो लोग और आखिर वो शिप कौन थी, आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं दिस कैरियर एडवेंचर्स। समुद्र एक बहुत ही विशाल, एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और अनगिनत अजीबोगरीब रहस्यों से भरी हुई जगह। अगर आप मुझसे बोलते हो कि जल्दी से कुछ सेकंड्स के अंदर ही एक ऐसी जगह इमेजिन करो जो कि रात में काफी ज्यादा डरावनी हो जाती है, तो मेरे दिमाग में शायद कोई कब्रिस्तान आ सकता है या फिर कोई शमशान घाट आ सकता है। हाँ, मुझे पता है कि हमारे पलंग के नीचे वाली जगह हमेशा नंबर 1 पे ही रहेगी, लेकिन मैं उस लिस्ट में एक काला नीले पानी वाला समुद्र भी जरूर रखना चाहूंगा क्योंकि समुद्र अपनी भयानक लहरों के साथ रात में डरावना तो दिखता ही है, लेकिन साथ में ही हम जब इसकी अजीबोगरीब डरावनी कहानियां भी सुनते हैं तब हमें ये और भी ज्यादा रहस्यमय लगने लगता है। स्टोरीज लाइक पायरेट्स, मरमेड्स, घोस्ट शिप्स, ये सारी स्टोरीज हमें बचपन से ही काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती आ रही हैं। खैर, पायरेट्स और मरमेड्स के बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं दी घोस्ट शिप जेनी के बारे में, जिसकी स्टोरी 18th सेंचुरी में काफी ज्यादा फेमस हुई थी। 1822 साउथ ईस्ट इंग्लैंड। जेनी नाम की एक बहुत ही बड़ी स्कूनर शिप अपने होम पोर्ट आइल ऑफ वेट से पोर्ट ऑफ कलाओ पेरू की तरफ रवाना होती है। उस जहाज पे उनके कैप्टन, उनकी बीवी, उनका कुत्ता और कुछ क्रू मेंबर शामिल थे और उन्हें ये पता था कि उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। जेनी ने अब तक अपनी आधी सफर तय कर ली थी और अब तक जेनी के कैप्टन और उनके क्रू के लिए ये सफर एकदम नॉर्मल ही रहा था, लेकिन वहां से लौटते वक्त जेनी अपनी जर्नी की सबसे मुश्किल पड़ाव द ड्रेक पैसेज में एंट्री करने वाली थी। द ड्रेक पैसेज साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीचों बीच फैला हुआ एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहरा समुद्री इलाका, जिसे इस धरती का वन ऑफ द डेडलीस्ट प्लेसेस में से एक कंसीडर किया जाता है क्योंकि इस जगह ने अभी तक 800 से भी ज्यादा शिप्स और 20,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा गहरा है, ऊपर से इसका क्लाइमेट बहुत ज्यादा अजीब है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पैसिफिक, अटलांटिक और साउदर्न ओशन यहाँ पे एक साथ आके मिलते हैं और इतनी बड़ी मुसीबत से जेनी कुछ समय बाद ही टकराने वाली थी। जेनी को आखिरी बार कलाओ पेरू में ही देखा गया था। उसने अपना आधा सफर तो तय कर लिया था लेकिन लौटते वक्त उसका सामना ड्रेक पैसेज के खतरनाक लहरों और तूफानों से हुआ और यहीं पे जेनी का सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब तक तो सबको यही लग रहा था कि जेनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। सबको यही लगा था कि अब तक उसे समुद्र निगल गया होगा और उसके क्रू मेंबर्स का तो नामो निशान तक मिट गया होगा, लेकिन बाईस सितंबर 1839
कैप्टन ब्राइटन अपने शिप होप और अपने कुछ क्रू के साथ साउथ अमेरिका के चिली के केप हॉर्न नाम के एक समुद्री इलाके में वेल फिशिंग कर रहे थे। उस समय वेल फिशिंग लीगल था और काफी सारे लोग उस समय वेल फिशिंग किया करते थे। कैप्टन ब्राइटन को उस इलाके में एक बहुत ही बड़े वेल के होने की खबर मिली थी और वो उसके पीछे बहुत पहले से लगे हुए थे, लेकिन अब तक वो उनके हाथ नहीं आए थे। लेकिन उस रात वो उसका पीछा करते करते समुद्र में काफी दूर निकल आए थे। वहां पे आए उन्हें काफी वक्त हो चुका था और देखते ही देखते रात के 9 बज चुके थे और तभी अचानक से हवा की रफ्तार एकदम से बढ़ जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और अचानक से उनके शिप के सामने उन्हें एक बहुत ही बड़ा बर्फ का पहाड़ नजर आता है और देखते ही देखते वो खुद को एक ऐसी जगह पे पाते हैं जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ थे। कैप्टन ब्राइटन तो जैसे तैसे अपने क्रू के साथ मिलकर उस जहाज को संभाल लेते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि अभी मुसीबत टली नहीं है और वो ये भी समझ चुके थे कि वो सब वहां पे फंस चुके थे। आधी रात बीत चुकी थी। कैप्टन ब्राइटन को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब तक तूफान भी थोड़ा शांत हो चुका था और तभी अचानक से वहां पे जोर से किसी चीज के टूटने की आवाज आती है और वो आवाज किसी बहुत ही बड़े बर्फ के टूटने की थी। और तभी कैप्टन ब्राइटन ये देखते हैं कि उनके सामने से कुछ बहुत ही बड़ा तैरते हुए उनके तरफ आ रहा है। शुरुआत में तो वो सब डर गए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई बहुत ही बड़ा बर्फ का पहाड़ होगा, लेकिन जैसे ही वो चीज उनके पास आती है तब उन्हें पता चलता है कि वो कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी स्कूनर शिप है जिसके ऊपर 7 आदमी एक लाइन से खड़े थे और वो उन्हें बस एक टक घूरे जा रहे थे। और अचानक से वो सिप उनके कुछ ही दूरी पे आके रुक जाती है और फिर उन्हें पता चलता है कि वो एक अबेंडन सिप थी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसका ज्यादातर पार्ट तो बर्फ में जमा हुआ था। कैप्टन को ये सारी बातें बहुत ज्यादा अजीब लगी। उन्होंने तुरंत समुद्र में अपनी एक बोट उतारी और अपने कुछ क्रू के साथ उस शिप के पास पहुंचे। वहां जाने के बाद उन्होंने नीचे से आवाज भी लगाई लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया और फिर कैप्टन ने ये डिसाइड किया कि वो उस शिप के ऊपर जाएंगे। और जैसे ही वो शिप के ऊपर पहुंचे वहां का नजारा किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। वहां पे हर चीज बर्फ में पूरी तरीके से जमी हुई थी। और फिर कैप्टन ब्राइटन उस शिप के कैप्टन के कमरे में जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि उस शिप का कैप्टन उस कमरे में एक डेस्क पे बैठा हुआ है। उसके हाथ में एक पेन था और वो कुछ लिख रहा था, लेकिन गाइज उसकी बॉडी पूरी तरीके से बर्फ में जमी हुई थी और उसे मरे हुए 18 साल से भी ज्यादा हो गए थे। और उसके उस बुक में लिखे हुए कुछ आखिरी वर्ड्स कुछ इस प्रकार थे, 17 जनवरी 1839, आज का तरवा दिन है जब से हमारी शिप बर्फ में जमी हुई है। हमारी सारी कोशिश नाकाम हो चुकी है। पिछली रात आग भी बुझ गई थी और हम उसे फिर से जलाने में नाकामयाब रहे। आज सुबह मेरी पत्नी की भी भूख और ठंड से मृत्यु हो गई और आज ही हमारे 5 क्रू मेंबर्स भी मारे गए और इसलिए अब कोई होप नहीं बची। इसके बाद कैप्टन ब्राइटन उस शिप के कैप्टन के बेडरूम में गए और वहां पे उन्हें बेड पे एक मरी हुई औरत की बॉडी मिली और उसके ठीक बगल में एक आदमी बैठा हुआ था जिसके हाथ में एक चमकदार पत्थर था। अब ये सारी चीजें देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद वह उसे कोई ट्रीटमेंट दे रहा था, लेकिन कमाल की बात ये थी कि वहां पे जो भी बॉडीज थी वो सारी बर्फ में जमी हुई थी। जिसके बाद कैप्टन उस शिप के डेक पे जाते हैं जहाँ पे वो 7 लोग एक साथ एक लाइन में खड़े थे और वो सब वहां पे खड़े खड़े ही बर्फ में जम चुके थे। इसके अलावा भी वहां पे कैप्टन को काफी सारी बॉडीज मिली थी और वहां पे कैप्टन को एक कुत्ता भी मिला था। और इसके बाद कैप्टन ब्राइटन ने उस शिप के बुक में उस शिप का नाम पढ़ा और फिर उन्हें पता चला कि वो शिप कोई और नहीं बल्कि वो शिप जेनी ही थी जो कि पिछले 18 साल से लापता थी। कुछ लोग ये बोलते हैं कि कैप्टन ब्राइटन और उनके क्रू ने उन बॉडीज का अंतिम संस्कार भी किया था और उस शिप को उसके हालत में वहीं पे छोड़ के आ गए थे। और कहीं कहीं पे ये पढ़ने को भी मिलता है कि उन्होंने उन बॉडीज को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, वो उन बॉडीज को उनके शिप में उनके हालात में छोड़ के वापस आ गए थे। ये जो स्टोरी मैंने आपको अभी सुनाई इससे मिलती जुलती और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें कोई सिप अपने सफर पे निकला था और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और फिर अचानक से ही किसी को दिखा था अपने साथ रहस्यमय और खौफनाक राज लिए। अब रहस्यमय सिप्स की बात हो ही रही है तो इसे सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले मैरी सेलेस्टी का नाम आता है जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं इस पे फ्यूचर में वीडियो बनाने वाला हूं। और इसके अलावा गाइज और भी बहुत सारी घोस्ट सिप्स की स्टोरी
स्टोरीज हैं जिसके बारे में हम लोग किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा गाइस समुद्र के भी और भी बहुत सारे रहस्य हैं जिसके बारे में हम लोग किसी और दिन बात जरूर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको ऐसे कॉन्टेंट पसंद है तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही ढेर सारे कॉन्टेंट मैं इस चैनल पर आगे भी लाने वाला हूँ। और हाँ गाइस कॉमेंट करा करो, बताया करो कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।